Hello everyone, today we are going to continue our last topic, that is balance of payments. So students, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी. बीओपी की इक्विलिब्रियम पोजीशन और डिसइक्विलिब्रियम, कि बीओपी कहाँ पर इक्विलिब्रियम में होता है और कहाँ डिसइक्विलिब्रियम में होता है. देखो इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर बीओपी कब होगा, व्हेन करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस एरर एंड ओमिशन इज इक्वल टू जीरो. जब हमारा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट इनका जो मेन एडिशन है, अगर हम एरर ओमिशन से छूट भी रहे या इग्नोर करते रहे, तो इन दोनों का जो एडिशन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल. जीरो के इक्वल का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जितना भी हमारा इनफ्लो हो रहा है फॉरेन करेंसी का, अगर वो इक्वल है आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है, तब हमारा क्या आएगा, वो जो एडिशन होगा कि इनफ्लो भी उतना ही हुआ है आउटफ्लो भी उतना ही हुआ है, तो वो जब जीरो आ जाएगा देन वी विल से दैट बीओपी इज एन इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट डिसइक्विलिब्रियम कब है, कि जब वो जीरो के इक्वल नहीं होगा. जीरो के इक्वल नहीं होगा इसका मतलब या तो वो ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो, अदरवाइज बीओपी क्या होगा, लेस देन जीरो. ग्रेटर देन जीरो होगा अगर, यानी कि पॉजिटिव होगा, इट मींस पॉजिटिव मींस, तो हम इसको बोलेंगे कि बीओपी क्या है, सरप्लस है हमारे पास, सरप्लस है. तो बीओपी अगर लेस देन जीरो है तो हम उसको क्या कहेंगे, बीओपी डेफिशिएंट. अब बीओपी क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा तो उसको हम बोलेंगे सरप्लस, या नेगेटिव होगा उसको हम बोलेंगे डेफिशिएंट. अब जब भी बीओपी, एक चीज ध्यान रखते हैं, हमने ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट पढ़ा था, हमने वहां पर पढ़ा था कि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का मेन पर्पस इसलिए हम यूज करते हैं ताकि हम बीओपी को बैलेंस कर सकें, ठीक है. जब हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो है, ऑफिशियल रिजर्व का कोई भी रोल नहीं है, यहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं है ऑफिशियल रोल, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्या हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं, रिजल्ट जो आ रहा है इनका जीरो हो रहा है. लेकिन जब डिसइक्विलिब्रियम की पोजिशन है बीओपी की, तब क्या होगा, तब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर या तो सरप्लस की कंडीशन होगी या फिर डेफिसिट की कंडीशन होगी, तो उसमें हम बीओपी को बैलेंस करने के लिए किसका यूज करेंगे, ऑफिशियल रिजर्व. फिर अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि डिसइक्विलिब्रियम होने के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से कॉजेस हैं जिससे कि हमारा जो बीओपी है वो डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है. देखो यहाँ पर तीन फैक्टर्स है हमारे पास, एक है इकोनॉमिक फैक्टर, सेकेंड पॉलिटिकल फैक्टर एंड देन सोशल फैक्टर्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमिक फैक्टर्स. इकोनॉमिक यानी इकोनॉमिकली किस तरह से, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें इफेक्ट, जो हमारे बीओपी को इफेक्ट करती है. फर्स्ट इज ह्यूज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, कि बहुत ज्यादा अगर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट, तो इसका मतलब कि वो जो बाहर की टेक्नोलॉजी है या बाहर से क्या कर रही है, इम्पोर्ट ज्यादा कर रही है ताकि वो अपनी कंट्री का डेवलपमेंट कर सके. और जब इम्पोर्ट ज्यादा होंगे तो क्या होगा, हमारी जो बीओपी है वो डेफिशिट चली जाएगी. इम्पोर्ट ज्यादा का मतलब क्या है, कि हमारा जो आउटफ्लो है फॉरेन करेंसी का वो ज्यादा हो रहा है, और जब वो ज्यादा होगा तो हम किसमें आ जाएंगे, डेफिशिट में आ जाएंगे. डेफिशिट का मतलब है यहाँ पर लेस देन जीरो, यानी कि हमारा लॉस में चल रहा है. सेकेंड है, अगर यही डेवलपमेंट, अगर बिजनेस देखो ह्यूज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अगर कम करती है इन केस, तो क्या होगा, डेफिसिट की जगह हमारे पास सरप्लस में भी होती है. नेक्स्ट बिजनेस साइकिल, देखो बिजनेस साइकिल क्या इस तरह से चलता है, ये जो पोजीशन आती है इसको बोलते हैं हम बूम सिचुएशन, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम रिसेशन. ये जब नीचे जाता है तो चार सिचुएशन होती है, इसको बोलते हैं बिजनेस साइकिल. बिजनेस साइकिल की चार सिचुएशन होती है, कौन कौन सी, बूम, डिप्रेशन, देन रिसेशन जो बिल्कुल डाउन है, और फिर उसके बाद शुरू हो जाती है जब वो थोड़ा थोड़ा उठना शुरू हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रिकवरी.
अब डिस इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है वो इन फेजेस पर भी डिपेंड करती है। देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बूम क्या होता है। बूम का मतलब है यहाँ पर कि सब कुछ फेवर हो, मीन्स हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा है, इम्पोर्ट्स कम है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज्यादा है, लोगों की इनकम बहुत अच्छी हो रही है। तो जब ये सब कुछ अच्छा है, फेवरेबल कंडीशंस है मार्केट की, उसको बोलते हैं हम बूम। और वही रिसेशन क्या है, जस्ट अपोजिट ऑफ बूम, कि जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी बिल्कुल कम है, एम्प्लॉयमेंट क्या, जो लोग एम्प्लॉयड है ऑलरेडी वो भी अनएम्प्लॉयड होने लग गए हैं, ठीक है। और इसमें इम्पोर्ट्स ज्यादा करते हैं हम, एक्सपोर्ट्स कम करते हैं, मीन सारी की सारी नेगेटिव सिचुएशन जो होती है मार्केट की वो सब इसमें आती है रिसेशन में। जैसे कि अब चल रहा है, अब क्या चल रहा है, एक रिसेशन टाइम भी चल रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हमारा क्या है, डिसइक्विलिब्रियम डिपेंड करता है कैसे, कि अगर तो बूम की सिचुएशन है, इतनी हमारी इकॉनमी बहुत अच्छे से, हमारी मार्केट बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा है, यानी कि हमारा जो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो है, अब हमें कमाई ज्यादा हो रही है, ठीक है। जब तो इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो हमारा बीओपी क्या जाएगा, सरप्लस में। लेकिन अगर रिसेशन की सिचुएशन है हमारी इकॉनमी की, तो हमारा हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट ज्यादा करेंगे, यानी कि हमारा आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से हमारा जो बीओपी है वो कैसा हो जाएगा, डेफिशिएंट। नेक्स्ट, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब देखो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हमें पता नहीं आई, ठीक है। हाई रेट ऑफ, अगर हमारी इकोनॉमी, हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसके अंदर इन्फ्लेशन बहुत है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि हमारे गुड्स और सर्विसेज बहुत ही महंगे हो गए हैं। अब जब हमारी डोमेस्टिक चीजें महंगी हो गई है, तो हम क्या करेंगे, फॉरेन की चीजों को मंगवाएंगे, क्यों, क्योंकि वो सस्ती पड़ रही है, इट मीन्स हम इम्पोर्ट ज्यादा करेंगे, और इम्पोर्ट जब ज्यादा करेंगे तो हमारा जो बीओपी रहेगा वो किसमें चला जाएगा, डेफिशिएंट, ओके। सो इट इज ऑल्सो अ फैक्टर, और यू कैन से इकोनॉमिक फैक्टर विच कॉज डिसइक्विलिब्रियम। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब देखो स्टूडेंट्स, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, आपने प्लस वन में पढ़ा होगा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मीन्स कि किसी की जगह पर हम किसी और को यूज कर ले। जैसे सपोज आपने स्कूल में देखा होगा कि आपकी जो टीचर्स हैं, अगर वो एब्सेंट हो जाते हैं तो उसकी जगह एक सब्स्टिट्यूट टीचर आता है वहां पर। इसका मतलब क्या है कि उस टीचर की जगह किसी और टीचर को प्लेस कर दिया गया ताकि वो आपको पढ़ा सके। तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन में भी क्या है कि हमने सब्स्टिट्यूट निकाल लिया है किसका, जो इम्पोर्ट कर रहे हैं हम चीजें, ठीक है। जो भी चीजें हम इम्पोर्ट करते हैं उसका हमने एक सब्स्टिट्यूट फाइंड कर लिया, और अगर हम उस सब्स्टिट्यूट को यूज करते हैं तो हमारी जो डिमांड है, इकोनॉमिक डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है उस चीज की, वो हम लोकल ही मार्केट में अपनी उसको फुलफिल कर सकते। अगर हमारी इकोनॉमी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर लेती है, मीन्स इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट फाइंड आउट कर लेती है, डिस्कवर कर लेती है, तो हमारा जो आउटफ्लो था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। कि वहीं की वहीं हम लोकल मार्केट से ही हम उसको अपनी डिमांड्स को फुलफिल कर पा रहे हैं, तो उससे हमारा जो बीओपी होगा वो किसमें चला जाएगा, सरप्लस में चला जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ, चेंज इन कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर्स। कि अगर कॉस्ट स्ट्रक्चर में चेंजेस होता है, मींस यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, अगर हमारी टेक्नोलॉजी कॉस्ट इफेक्टिव है, कि कम कॉस्ट में हमें टेक्नोलॉजी जो है, हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल रह रही है, तो हमारा बीओपी सरप्लस में चला जाएगा। अगर हमारी टेक्नोलॉजी फेवरेबल नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको इम्पोर्ट करना शुरू कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमारे वाले जो प्रोडक्ट्स, अगर वही प्रोडक्ट्स हम अपने कंट्री में बनाते तो हमें महंगे पड़ते हैं, जबकि हम बाहर से मंगवाते तो सस्ते पड़ते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो इम्पोर्ट ज्यादा होगा, इम्पोर्ट ज्यादा होगा तो हमारा बीओपी क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट हो जाएगा। बट अगर हमारा, हमारी टेक्नोलॉजी कॉस्ट इफेक्टिव है, फेवरेबल है, तो हम क्या करेंगे, उसमें एक्सपोर्ट्स ज्यादा करेंगे, कि हमारी चीजें अब सस्ती बन रही हैं, ठीक है, अब हमें इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम अपनी चीजें क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा इनफ्लो ज्यादा होगा फॉरेन करेंसी का, तो वही हमारा बीओपी कहाँ आ जाएगा, सरप्लस। क्लियर? सो दीज ऑल आर द इकोनॉमिक फैक्टर्स विच कॉज डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। नेक्स्ट हमारा फैक्टर रहता है पॉलिटिकल फैक्टर। अब पॉलिटिकल फैक्टर किस तरह से इफेक्ट करता है,
की जो इकोनॉमी है वो स्टेबल होती है, मीन्स वहाँ की गवर्नमेंट बार बार चेंजेस नहीं होते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी रहती है। तो अगर तो इकोनॉमी में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो FDI है, FII है, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। उससे क्या होगा, हमारा इनफ्लो बढ़ेगा फॉरेन करेंसी का। लेकिन अगर वही हमारी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉपुलिज्म पॉलिसीज। पॉपुलिज्म पॉलिसीज मीन्स पॉपुलर करने के लिए जो पॉलिसीज, मीन्स अगर मान लो हमारी गवर्नमेंट इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर देती है, इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने की वजह से क्या होगा, लोग ज्यादा इम्पोर्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ज्यादा इम्पोर्ट करेंगे तो हमारा ड्यूटी किसमें चला जाएगा, डेफिशिएंट। ठीक है, तो ये था हमारे रीजन कौन से, पॉलिटिकल फैक्टर्स। अब हमारे नेक्स्ट आते हैं हमारे सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स किस तरह से इफेक्ट करते हैं, फर्स्ट इज चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर तो हमारी इकोनॉमी के पीपल्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंस हमारे जो हम बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है, या हम ये कह सकते हैं कि जो फॉरेन के लोग हैं वो उनका टेस्ट ऐसा है कि जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स है उनको लाइक ज्यादा करते हैं। अगर वो लाइक ज्यादा करते हैं तो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे। एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो हमारा इनफ्लो ज्यादा हो जाएगा। इनफ्लो हो जाएगा तो हमारा पीओपी किसमें आ जाएगा, सरप्लस में। एंड अगर इसी की अपोजिट सिचुएशन है तो हमारा बीओपी क्या हो जाएगा, डेफिसिट। की अगर उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस नहीं है हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, या हमारे जो इकोनॉमी में लोग रहते हैं वो फॉरेन कंट्रीज के प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, उनका टेस्ट वहां उस प्रोडक्ट में ज्यादा डेवलप हो गया है, तो उससे क्या होगा, हम इम्पोर्ट ज्यादा करें। इम्पोर्ट ज्यादा करेंगे तो बीओपी किसमें आ जाएगा, हमारा डेफिसिट। नेक्स्ट क्रॉस बॉर्डर प्रेजुडिसेस। क्रॉस बॉर्डर प्रेजुडिसेस में क्या आ जाएगा आपका, कि अगर सम टाइम्स क्या होता है, हमारी इकोनॉमी जो हमारे इंडियंस, इंडिया लगा लो, जैसे पाकिस्तान लगा लो, इन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो प्रोडक्ट्स है वो कभी कभी मजबूरी हो जाती है कि हमें एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स क्या करने पड़ते हैं, इम्पोर्ट करने पड़ते हैं, और एक्सपोर्ट जो हमारे सस्ते प्रोडक्ट्स हैं वो हमें एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं। एक्सपेंसिव इम्पोर्ट की वजह से हमारा जो आउटफ्लो है फॉरेन करेंसी का वो ज्यादा हो जाता है, और ज्यादा होने की वजह से बीओपी किसमें आ जाता है, आपके डेफिसिट। ठीक है, सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स, और यू कैन से दीज ऑल आर द कॉजेस व्हिच कॉज डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। एक चीज हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, बीओपी हम जब भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, तो मैंने आपको ये चीज बहुत बार बता चुकी हूँ कि आपका जो बीओपी बनेगा इस तरह से, हमारे ऊपर होता है हमारा करंट अकाउंट, और यहां पर होता है हमारा नीचे कैपिटल। ठीक है, साइड्स वही सेम, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। क्रेडिट में आएगा हमारा इनफ्लो और डेबिट में आएगा आपका आउटफ्लो। तो ये जो फैक्टर्स हमने किए हैं, इनमें जिस भी केस के अंदर इनफ्लो हो रही होगी हमारी फॉरेन करेंसी, मीन हमारे पास फॉरेन करेंसी आ रही है, तो हम इस साइड रिकॉर्ड करेंगे उसको क्रेडिट साइड पे। अगर आउटफ्लो हो रहा है, यानी कि हम पे कर रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम, उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे हम, डेबिट साइड। ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट द ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। नाउ स्टूडेंट्स, बीओपी ट्रांजैक्शंस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज ऑटोनोमस आइटम्स, या हम कह सकते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। अब ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स होती कौन सी, देखो मेन डिफरेंस क्या है, जो ऑटोनोमस आइटम्स हैं वो ऐसी ट्रांजेक्शन्स है, या ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स में हम जिनको बोलते हैं, ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो कि हम प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से करते हैं, जैसे कि हमने एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, ये सब किस वजह से करते हैं, ताकि हमारा प्रॉफिट जनरेट हो। जबकि जो अकोमोडेटिंग आइटम्स है उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, उसका मेन मोटिव है कि किस तरह से बीओपी को बैलेंस किया जाए,
सिर्फ बीओपी को बैलेंस करने के लिए जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं उनको बोलते हैं हम एकोमोडेटिंग आइटम्स या एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। अब इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए हम देखते हैं इनके डिफरेंसेस, मेन डिफरेंसेस मैंने यहाँ पर लिखे हैं ताकि और अच्छे से हमें क्लियर हो जाए कि ऑटोनोमस आइटम्स और एकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं। देखो फर्स्ट जो डिफरेंस है जो मैंने अभी बताया कि जो ऑटोनोमस आइटम्स है दीज रेफर्स टू सच बीओपी ट्रांजेक्शन्स विच आर अंडरटेकन फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट, कि जिसको हम प्रॉफिट के अर्न करने के लिए ही करते हैं, जैसे कि हमने एक्सपोर्ट किया, इम्पोर्ट किया, ये सब हम क्यों करते हैं सेल बजट, ताकि हमें प्रॉफिट जनरेट हो। जबकि एकोमोडेटिंग आइटम दीज आर फ्री फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट, ये फ्री है, इसमें कोई हमारा प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव नहीं होता। सेकेंड, दीज आर द कॉज ऑफ बीओपी इम्बैलेंस। बिल्कुल, जो ऑटोनोमस आइटम्स है हमने अभी पिछले उसमें लास्ट अभी पढ़ा हमने कि डिसइक्विलिब्रियम की पोजीशन क्यों होती है, क्योंकि हमारा या तो सरप्लस होगा और या फिर डेफिसिट की पोजीशन होगी बीओपी में, ठीक है, क्यों होती है वो हमने फैक्टर्स पढ़ लिए, ठीक है। अब उन्हीं से रिलेटेड अगर हमारी जो ट्रांजेक्शन है इकोनॉमिक फैक्टर्स के रिगार्डिंग है, चाहे वो सोशल फैक्टर्स के रिगार्डिंग है, जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं उससे क्या होता है, हम वो करते हैं प्रॉफिट मोटिव से, और उसी की वजह से ही हमारा जो बीओपी होता है वो डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, यानी कि इम्बैलेंस हो जाता है। तो वो सारी ट्रांजेक्शन्स क्या कहलाएंगे, हमारी ऑटोनोमस आइटम्स। जबकि एकोमोडेटिंग आइटम्स दीज आर मेंट टू रीस्टोर बीओपी बैलेंस, कि ये हम किस लिए करते हैं, ताकि हम बीओपी को बैलेंस कर सके, और बैलेंस करने के लिए हमने अभी पढ़ा था कि ऑफिशियल रिजर्व का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो वो जो ऑफिशियल रिजर्व के रिगार्डिंग जो रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी वो किस में आएंगे, हमारी ऑटोनोमस आइटम्स में। नेक्स्ट, दीज में इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर, बिल्कुल, क्योंकि ऑटोनोमस आइटम्स होती क्या है, वही जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, जो कि मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमें शो करती है, दिखाती है, तो वो सारी इन्वॉल्व किस में होंगी, ऑटोनोमस आइटम्स में। वेयर एज दीज डू नॉट इन्वॉल्व, एकोमोडेटिंग आइटम्स डू नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर। नेक्स्ट डिफरेंस, दीज आर क्लासिफाइड एज अबव द लाइन आइटम्स ऑफ बीओपी। अब देखो अबव द लाइन का क्या मतलब, देखो लेट करो कि आपकी इक्विलिब्रियम पोजिशन दिया, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पोजिशन, अब देखो प्रॉफिट कब जनरेट होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब है ना प्रॉफिट ना लॉस, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम प्रॉफिट कब होगा, कि जब हम इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर की तरफ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उससे ऊपर जाकर हमारा जो है इनकम हो रही है, तभी हम कहेंगे, तो जहां पर हमारा प्रॉफिट हो रहा है इससे ऊपर रहेंगे तभी हमारा प्रॉफिट होगा, इसीलिए इसको जो ऊपर वाले को क्या बोला गया, ऑटोनोमस आइटम्स को अबव द लाइन, जबकि जो एकोमोडेटिंग आइटम है उसको क्या बोलते हैं हम बिलो द लाइन, क्लियर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम। Now let's discuss about the significance of BOP. अब BOP क्यों जरूरी है, क्या importance है इसकी, क्या significance है, क्या हमें show करता है BOP? First हमारा है that financial status of the domestic economy. कि BOP से हमें पता चलता है कि हमारी economy की financial status क्या है, कि कितना हमें income हो रही है, कितना हमारा expenditure है, कितना outflow हो रहा है हमारा foreign currency का, ना इनफ्लो हो रहा है, कैसी हमारी फाइनेंशियल स्टेटस है, कितनी हमने बोरोइंग की है, कितनी हमने लेंडिंग की है, वो सब हमें किससे पता चलता है, बीओपी से, ठीक है। नेक्स्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, हमें क्या पता चलता है, बीओपी हमें ये भी शो करता है कि हमारी नेट फैक्टर इनकम कितनी है एब्रॉड से। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होता है बेटा, कि जब हमारे जो इंडियंस जो फॉरन में रह रहे हैं वो जो इनकम जनरेट हो रही है उनकी, उसमें से अगर जो फॉरनर्स हमारे इंडिया में रहकर कमा रहे हैं उनको अगर माइनस करते हैं उसमें से, तो जो हमारे पास बचता है वो हमारी कंट्री की क्या है, नेट फैक्टर इनकम होती है फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है। अब हमें बीओपी से पता चलता है कि हमारे जो इंडियंस जो बाहर फॉरन कंट्री में रह रहे हैं उनकी जो इनकम है वो कितनी है, और जो यहाँ पर रह रहे हैं फॉरनर्स वो कितना अर्न कर रहे हैं, वो हमें किससे पता चलता है, बीओपी से। तो बीओपी हमें बताता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ही
हमारा मेन कंपोनेंट भी है नेशनल इनकम कैलकुलेट करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेट एक्सपोर्ट। अब देखो बीओपी हमें बताता है कि हमारे इम्पोर्ट कितने हैं, एक्सपोर्ट्स कितने हैं। आपको पता है कि नेट एक्सपोर्ट के अगर हमारा हम एक्सपोर्ट्स में से इम्पोर्ट्स को माइनस कर देते हैं तो वो क्या होता है आपका नेट एक्सपोर्ट। तो हमारा नेट एक्सपोर्ट क्या है, और नेट एक्सपोर्ट एक मेन कंपोनेंट है हमें पता है एग्रीगेट डिमांड का, कि अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है इसका मतलब हमारी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है। तो वो रिफ्लेक्ट क्या करता है, एग्रीगेट डिमांड को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो इससे हमें बीओपी से ये भी पता चलता है कि हमारे एक्सपोर्ट्स नेट एक्सपोर्ट्स कितने हैं, तो उससे हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी डिमांड एग्रीगेट डिमांड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मार्केट पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल का मतलब कि कितनी कैपेसिटी है, अब हमारी मार्केट की पोटेंशियल कितनी है ये भी हमें कौन बताता है, बीओपी बताता है। कैसे, कि अगर तो हमारी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है, हमारी मार्केट बहुत अच्छी है, बहुत सारे एफडीआई को एफआईआई को अट्रैक्ट कर रही है, तो इसका मतलब हमारी मार्केट कैसी है, बहुत बड़ी मार्केट है, उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है मार्केट के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट कम होती है तो वो क्या शो करते हैं कि हमारी जो है मार्केट क्या है, बहुत ही स्मॉल है, छोटी है, कंसाइज, ठीक है। तो मार्केट पोटेंशियल भी क्या रिप्रेजेंट कौन करता है, बीओपी। नेक्स्ट मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज। अब मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज कैसे, कि देखो बीओपी के अकॉर्डिंग ही हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी है, जो पॉलिसीज हमारी आरबीआई बनाती है, जैसे कि रेपो रेट, जो भी इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है वो सब कौन बनाता है, आरबीआई, और आरबीआई की ही पॉलिसीज को हम क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज। जबकि फिजिकल पॉलिसीज कौन सी है, जो हमारे गवर्नमेंट्स के एक्सपेंडिचर्स और रिसीट्स को शो करती है, रिलेट करती है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल पॉलिसीज। फिजिकल पॉलिसीज आर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, वेयर एज द मॉनेटरी पॉलिसीज आर फ्रेम्ड बाय द आरबीआई। तो बीओपी हमें ये भी बताता है कि किस तरह से हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज बनाएं, कौन सी ऐसी फिजिकल पॉलिसीज बनाएं जिससे कि हमारा जो बीओपी है वो या तो बैलेंस हो जाए या उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या हो जाए, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी हो, ठीक है। सो दीज ऑल आर द सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी। सो दिस इज ऑल अबाउट यूर दिस चैप्टर, हमने आज कंप्लीट कर लिया ये चैप्टर। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।